नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सिंह, आप देख रहे हो टूरिस्ट इंडिया इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज बात करेंगे यूके के ट्रांजिट वीज़ा के बारे में। कई सारी दुनिया में ऐसे मुल्क हैं जहां आप इंडिया से डायरेक्ट नहीं जा सकते, या नेपाल से डायरेक्ट नहीं जा सकते, पाकिस्तान से डायरेक्ट नहीं जा सकते, श्रीलंका से, और भी कई मुल्कों से आप कई सारे मुल्क में डायरेक्ट नहीं जा सकते। तो उन मुल्कों में जाने के लिए आपको दो रास्ते चुनने पड़ते हैं, या बाय यूके या बाय यूएस। तो इन दोनों से आप ट्रांजिट करके ही उन मुल्कों में जा सकते हैं। जैसे बरमुंडा, यहाँ से इंडिया से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, केमन आइलैंड नहीं है, इस तरह के बहुत ऐसे छोटे छोटे टापू हैं, आइसलैंड हैं, छोटे छोटे कंट्री हैं जहाँ आप डायरेक्ट नहीं जा सकते। फिर हमें करना क्या पड़ता है, यूके की फ्लाइट लेनी पड़ती है। कई बार हम यूके जाके दूसरा एयरपोर्ट या टर्मिनल हमें चेंज करना पड़ता है, तो इन कंडीशन में हमें यूके का ट्रांजिट वीज़ा लेना पड़ता है। या वो लोग जिनकी स्टे यूके में बहुत ज़्यादा है, किसी की 8-10 घंटे की स्टे है, किसी की 24 घंटे की स्टे है, और वो एयरपोर्ट से बाहर निकलना चाहते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो कहीं दूसरे कंट्री जा रहे हैं, बाय यूके जा रहे हैं, कोई आपका दोस्त कोई रिलेटिव यूके में रहता है और आप उससे हेलो हाय करना चाहते हैं, जाते जाते एक दो घंटा रुकना चाहते हैं, वो भी यूके का जो ट्रांजिट वीज़ा ले सकते हैं। यूके के ट्रांजिट वीज़ा के लिए हमें क्या क्या चाहिए? यूके के ट्रांजिट वीज़ा के लिए किसी फर्दर किसी आगे कंट्री की टिकट, कन्फर्म टिकट आपके पास होनी चाहिए। दूसरा है, यूके में रुकने का कोई वैलिड रीज़न क्या है। होटल बुकिंग चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, आपका प्रीवियस या प्रेजेंट जो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है वो चाहिए, पासपोर्ट की कॉपी चाहिए। ये आप डॉक्यूमेंट्स देके दोस्तों यूके का ट्रांजिट वीज़ा ले सकते हैं। और वो लोग जो आगे फर्दर किसी कंट्री में वर्क परमिट पे जा रहे हैं, ज़्यादातर लोग इंडिया से केमन आइलैंड जाते हैं वर्क करने के लिए जाते हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं वहाँ जो इंडियन को इन्वाइट करती हैं वर्क के लिए, तो उनको भी ट्रैवल करने के लिए बाय यूके होके ही जाना पड़ता है। तो बाय यूके उनको ट्रांजिट चाहिए ही चाहिए होता है, और उनके लिए डॉक्यूमेंट्स उनके वर्क परमिट की कॉपी, टिकट की कॉपी, कंफर्म टिकट की कॉपी, इंश्योरेंस, होटल की बुकिंग, प्रीवियस जो आपका एम्प्लॉयमेंट या प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट, प्लस आपका पासपोर्ट की कॉपी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। यूके ट्रांजिट लेना के और क्या क्या फ़ायदे हैं दोस्तों? एक तो आप ट्रांजिट कर सकते हैं, दूसरा यदि आपके पास टाइम है तो आप एयरपोर्ट भी एग्ज़िट कर सकते हैं, एयरपोर्ट से बाहर जाके आप 2-4 घंटे यूके में लंदन में बता सकते हैं, ठीक है जी। तो ये बहुत इजी प्रोसेस रहता है दोस्तों, यदि आपका किसी फर्दर कंट्री के जाने का प्लान है और बाय यूके है तो आप यूके का ट्रांजिट वीज़ा ले सकते हैं। और जो ट्रांजिट वीज़ा का सक्सेस रेट 90% है टूरिस्ट वीज़ा से, तो जिन लोगों को आगे जाना है फर्दर यूके ट्रांजिट करना है वो यूके का ट्रांजिट वीज़ा ले सकते हैं। ट्रांजिट वीज़ा के रिगार्डिंग और भी हमारी बहुत सारी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेंगी, सक्सेस स्टोरी भी आपको यूट्यूब चैनल पे मिलेगी, जिनका हमने ट्रांजिट वीज़ा करवा के दिया वो स्टोरी भी आप दे सकते हो। और अधिक जानकारी के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। मुझे इंस्टा पर फॉलो कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अधिक जानकारी लिए अपना केस डिस्कस करने के लिए, केस अप्लाई करने के लिए आप मुझे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।